हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज है थर्सडे और मैं हूँ इंडियन यूट्यूबर ज्योत्सना जायसवाल। तो गाइस, आज मुझे ना हेयर वॉश करने थे, पर हमारे यहाँ ना थर्सडे को हेयर वॉश नहीं करते हैं। बोलते हैं थर्सडे को हेयर वॉश करना अच्छी बात नहीं है, तो फिर मैंने आज हेयर वॉश नहीं किए हैं। और ये मैंने येल्लो कलर का ड्रेस पहना है। बोलते हैं थर्सडे के दिन येल्लो कलर का ड्रेस पहनते हैं। गाइस, आप जानते हैं मैं बहुत ज़्यादा वहमी हूँ, और बस आपके साथ ऐसा होता है क्या? आप भी ऐसा सोचते हो कि ये करने से अच्छा हो जाएगा, ये करने से अच्छा हो जाएगा? मैं वो सब सोचती रहती हूँ और वैसे ही बिहेव करती हूँ। तो गाइस, चलिए अब मैं निकल रही हूँ पार्लर के लिए। आप जानते ही हो मेरा पार्लर है, पर गाइस बहुत कंपटीशन है इस साल, तो बहुत कंपटीशन है। आसपास दो तीन पार्लर खुल गए हैं, तो रात को 10 बजे भी बंद करो तो भी उनके पार्लर्स ओपन रखते हैं वो लोग, क्योंकि उनको रेंट निकालना है। मेरा तो खुद का पार्लर है, मुझे वो बात का कोई टेंशन नहीं है, पर गाइस वहाँ पे 15,000 रुपये रेंट चल रहा है, तो रेंट रोज का उनको 500 रुपीज़ तो रेंट का निकालना है, फिर लाइट बिल निकालना है। और लाइट बिल तो आजकल गर्मी है, ऐसी फुल डे चालू रहता है, लाइट बिल भर भर के आता है। तो गाइस इसलिए वो लोग बेचारे टेंशन में, पर उनको ज़रूरत क्या है? अगर एक पार्लर है, मेरा पार्लर तो यहाँ पे 20 साल से, अगर एक पार्लर है पास में, तो आप आसपास ही क्यों दूसरा पार्लर खोल रहे हो? आपको समझना चाहिए, आप नए एरिया में जाओ ना जहाँ पे पार्लर नहीं है। जो अभी यहाँ पे 20 साल से टिका हुआ है, उसके कंपटीशन में आप उतरोगे तो आपको कैसे होगा? पर उसमें क्या होता है परेशानी, कि आधे जो मतलब ऐसे यहाँ वहाँ घूमने वाले क्लाइंट रहते हैं ना, वो आधे जाते भी हैं दूसरों के पास, तो हमारा बिजनेस में तो थोड़ा फर्क पड़ ही जाता है गाइस। तो बस यही उधेड़बुन सब चल रही है मेरी लाइफ में। तो आपकी लाइफ में क्या चल रहा है बताओ? और दिवाली आ रही है, दिवाली की तैयारी कर रहे हैं? मेरी कुछ भी तैयारी नहीं हो रही है, ना मेरी अच्छे से साफ सफाई हो पा रही है। मैं बस सुबह हुई के पार्लर पे भागती हूँ, रात को लेट नाइट घर पे आती हूँ। कल मैंने सिर्फ दिए खरीदे, और थोड़ा थोड़ा मुझे खरीदना है, रंगोली खरीदनी है, पर रात को बहुत लेट हो गया था। तो पीछे के साइड से आती हूँ तो वो रोड पे कुछ नहीं मिलता है, अगर मैं ये मेन रोड से आऊँ ना तो ही मुझे सब कुछ मिलेगा। तो शाम को तो मेरी पूरी बैटरी डाउन हो जाती है, मेरी बैटरी तो मतलब मुझ में ताकत ही नहीं रहती है शाम रात तक, तो इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ रात को। तो ऐसा लगता है कब घर जाऊं, और फिर भी मुझे सोने को रात को 1 बज जाता है, पर बस कुछ करने को दिल नहीं करता है। और गाइस, मेरा भी दिवाली की शॉपिंग मैंने की है, अमेज़न से मेरे लिए कुछ आया है, तो उसका अनबॉक्सिंग करके मैं दिखाऊंगी। एक्चुअली मैं 2 दिन से आया है, पर मुझे आपके साथ वो पूरा ओपन करने का आपके साथ ही देखना था, इसलिए मैंने अभी तक उसको ऐसे ही पार्लर पर रख छोड़ा है। और भाई गया था बाहर, तो भाई ने और मैंने ही मिलके चॉइस करके ऑर्डर दिया था, तो वो कल रात को आया होगा, तो आज आएगा तो मैं उसके साथ मिलके उसका अनबॉक्सिंग करूँगी आपके लिए। तो गाइस देखिए आपको पसंद आता है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब चलते हैं पार्लर पे, और आगे आगे जो भी होता है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ओके? और कैसा लग रहा है? और हाँ गाइस, एक और बात, मैंने जो कल के ब्लॉग में ड्रेस दिखाया है ना आपको दिवाली शॉपिंग का, तो गाइस आप मुझे बताइए उसके ऊपर कौन सी लिपस्टिक सूट करेगी? उसका कलर ना पीच कलर जैसा है, मतलब ना येल्लो पे जाता है ना पीच पे जाता है, बहुत लाइट और ब्राइट कलर है। तो गाइस मेरी समझ में नहीं आ रहा है उस पर मैं पिंक कलर की लिपस्टिक लगाऊँ या पीच कलर की मेरे फेस पे अच्छी लगेगी क्या, बहुत लाइट जाएगी? तो गाइस अगर आपको कुछ आइडिया है तो मुझे बताइए, ओके? मुझे ज़रूर से बताइए कि उस पर कौन से कलर की लिपस्टिक अच्छी लगेगी। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं पार्लर पे।
और बहुत टेंशन आ रहा है। और एक और बात मुझे शेयर करनी थी आपके साथ। मैं क्या करती हूँ गाइस, निकलते और रात को सोते भी दोनों टाइम बस यहाँ वहाँ सब दूर भगवान के पैर पड़ती रहती हूँ। और उसमें ना मुझे बहुत टाइम चला जाता है, मतलब 15-20 मिनट चली जाती है। तो बहुत दिन से मैंने मम्मी को भी बोला, मम्मी ने बोला कि ऐसे मत किया कर, क्योंकि एक ही बार भगवान के पांव पड़ लेने का, बार बार तो इतना टाइम यहाँ वहाँ, इवन मैं दरवाजे पे भी बहुत बार पांव पड़ती रहती हूँ, तो उसकी वजह से ना मेरा ये शोल्डर मुझे खुद पे हंसी आ रही है गाइस, मैं इतनी वहमी हूँ ना कि ना पूछो बात, मेरा ये शोल्डर ना बहुत दर्द करता है। तो और अभी काम ज्यादा है दिवाली की वजह से, तो आज से, आज गुरुवार है, आज से अच्छा दिन है, मैंने सोचा अब वो मैं एक ही बार बस सारे भगवान को पांव पड़ लूंगी और पार्लर के लिए निकल जाऊंगी। तो और मेरी वो डॉक्टर फ्रेंड है, वो भी मुझ पे डांट रही थी, मुझे बोलेगी यहाँ नहीं शोल्डर पे ना बार बार ऐसा करके तेरा शोल्डर ना डिसलोकेट हो जाएगा, तो तू उसको संभाल पहले, भगवान को एक ही बार पाँव पड़ लेने का, 10 बार पाँव नहीं पड़ने का। तो गाइस बस मेरे दिल की बात मैं आपके साथ शेयर कर रही थी, भगवान मुझे माफ करे। तो बस यही चल रहा है मेरी लाइफ में। तो आप बताइए आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपकी लाइफ में क्या-क्या चल रहा है। तो गाइस चलिए अब हो गई है, आज मैंने खाना नहीं कुछ बनाया। आज मैं सोची मैं वहाँ से ना, हमारे यहाँ एक शॉप है वड़ा पाव वालों की, आप जानते हो मुंबई का वड़ा पाव फेमस है, पर मैं वड़ा पाव नहीं ले रही हूँ, मैं ले रही हूँ वहाँ से पट्टी समोसा, जो मुझे बहुत पसंद है और खाए हुए मुझे बहुत दिन हो गए। तो मैंने रात को ही सोचा था कि मैं सुबह खाना नहीं बनाऊंगी और वो पट्टी समोसा लूंगी। तो चलिए गाइस लेते हैं समोसा और चलते हैं पार्लर पे और फिर करते हैं अनबॉक्सिंग। शायद मैं रात को करूंगी इसका अनबॉक्सिंग। तो मैंने मंगाया है गोरिल्ला ट्राइपॉड और एक दूसरा ट्राइपॉड, बड़ा वाला ट्राइपॉड, तो दोनों मेरे आ गए, दूसरे ही दिन आ गया गाइज। मैंने ऑर्डर दिया, हाँ रात को ऑर्डर दिया और एक दिन गया, और तीसरे दिन मॉर्निंग में मुझे आई थिंक आफ्टरनून में 12-1 बजे तक आ गया मुझे। मतलब अमेजोन की कितनी फास्ट सर्विस है, देखिए गाइस। तो चलिए निकलते हैं पार्लर पे। तो गाइस ये है पट्टी समोसे जो मुझे बहुत पसंद है। गाइस मैंने अभी रास्ते से समोसे लिए लंच के लिए और मैं आई हूँ लाइट बिल भरने। तो ये मैं पार्लर के ग्लास की सफाई कर रही हूँ, न्यूज़पेपर लिया है और पानी डाला है और ग्लास एक बार पोंछ दिया के फिर पूरा दिन वो साफ रहता है। पानी डाल के न्यूज़पेपर से ग्लास साफ कर दो ना गाइस, तो बहुत अच्छे से पूरा सफाई हो जाता है, मतलब पूरा क्लीन हो जाता है, न्यूज़पेपर से ग्लास पूरा क्लीन हो जाता है। तो देखिए मेरा ग्लास इस तरह से पूरा क्लीन हो गया है। तो गाइस ये देखो मेरा आया है अमेजोन से पार्सल, इसमें बड़ा ट्राइपॉड है और इसमें वो गोरिल्ला ट्राइपॉड। तो गाइस मेरा पार्सल आ गया है और मैं इसका अनबॉक्सिंग रात को करूंगी। तो गाइस मेरा थोड़ा सा साफ सफाई हो गया है पार्लर का और अब मैं थोड़ा सा चैन लेके बैठी हूँ। कितना भागम भागी करके आई तो भी मुझे आते आते 10 बज गया था। तो
कल से मुझे 9 बजे पहुंचना है, कैसे भी करके मैं 9 बजे पहुंचूंगी, कोशिश करूंगी। और आपने देखा अमेज़न से मेरे लिए वो ट्राइपॉड और गोरिल्ला ट्राइपॉड जो मैंने मंगवाया था वो आ गया है, और उसका अनबॉक्सिंग मैं रात को करूंगी, आपको दिखाऊंगी कि मैंने कौन सा वाला लिया है। तो और अब मुझे ना थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाएगा वीडियो बनाने के लिए गाइज, तो बस वही चल रहा है। और दौड़ दौड़ के भाग भाग के थक गई एकदम से, अब बैठी हूँ आके पानी पिया। तो हमारी बात चल रही थी गाइस वहम के ऊपर, तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने आपको बोला था कि मैं एक ही बार पाँव पड़ के निकलूँगी, पर नहीं हुआ मेरे से, और मैं वापस उसी तरह से यहाँ वहाँ ऊपर नीचे सब दूर भगवान को पैर पड़ते पड़ते मुझे 15 मिनट हो गए। मतलब मेरा वहम है कि जाता ही नहीं। तो गाइज आप लोग भी ऐसे मेरी तरह वहमी हो क्या, मुझे कमेंट करके बताना। एक्चुअल में ना मैं हूँ इंडियन, और इंडियन लोग ज़रा भगवान को ज़्यादा ही मानते हैं। पर गाइज मैं आपको एक बात बताऊँ, आप हंसेंगे मेरे पे, सच में बोलती हूँ, मैं ना भगवान को फूल भी नहीं चढ़ाती हूँ। मुझे डर लगता है कि फूल के वो डंडी के अंदर ना कीड़े अगर रहे तो वो निकलेंगे। एक आधा भी अभी 10-20 फूल चढ़ाएंगे हम, तो उसमें से एक आधा तो भी कीड़ा उसमें रहा, तो कभी साल में एक बार अगर उसमें से कीड़ा निकला तो वो पूरा अपने घर में फैलेगा रहेंगेगा। तो वो कीड़े कोई डर की वजह से मैं फ्रेश फ्लावर्स भी नहीं लगाती भगवान को। तो बस कभी कभार मेरे गार्डन में जो फ्लावर्स खूब खिले रहते हैं ना, उनको खूब धो के खूब झटक झटक के अच्छे से साफ करती हूँ, और फिर उसको भगवान को चढ़ाती हूँ। और मैं और एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगी, मैं भगवान को दिया और अगरबत्ती भी नहीं लगाती हूँ, सिर्फ पाँव पड़ती रहती हूँ। दिया सिर्फ ओकेजनली लगाती हूँ, जैसे नवरात्रि में कर दिया, या फिर दिवाली का जो अखंड दिया जलाने का रहता है वो रात को लगा दिया। बाकी रोज ना मुझे निकलने का रहता है, अगर मैं दिया लगाऊं तो मुझे वेट करना पड़ेगा वो दिया जब तक जलता है तब तक, क्योंकि घर में ऐसे ही मैं दिया जलता हुआ छोड़ के घर लॉक करके नहीं आ सकती हूँ। और अगरबत्ती मैं इसलिए नहीं लगाती हूँ कि अगरबत्ती की स्मेल ना, अगर मैं घर बंद करके आ जाती हूँ और अगरबत्ती मैंने जलाई है तो स्मेल पूरा दिन वो घर में ही रहने वाली है, तो वो स्मेल मुझे ना ऐसा चक्कर जैसा आता है स्मेल से, मुझे मच्छर, अब हम गुड नाइट लगाते हैं ना तो उसका स्मेल भी नहीं मुझे सहन होता है, और अगरबत्ती का स्मेल भी नहीं मुझे सहन होता है। तो मैं पार्लर पे भी अगरबत्ती नहीं लगाती हूँ और घर पे भी अगरबत्ती नहीं लगाती हूँ। तो बस मैं यही सब आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि मैं ऐसी हूँ और मैं ऐसी क्यों हूँ। तो गाइस और एक और बात, मैं रात को जब घर गई ना, मैं आपको पार्लर के कंपटीशन की बात बता रही थी, तो मैं जब रात को घर गई ना, तो हमारे यहाँ ना एक नया बिल्डिंग हुआ है, मेरे बंगले के थोड़ा एंट्रेंस के रास्ते पे ही है, तो वहाँ पे ना नया बिल्डिंग, और जहाँ पे नया बिल्डिंग बनता है नीचे शॉप्स तो आती है, और शॉप आती है वहाँ पे एक क्लिनिक डॉक्टर का और एक ब्यूटी पार्लर ज़रूर से होता है। तो गाइस वहाँ पे ना डॉक्टर का क्लिनिक खुला है, और हमारे यहाँ का एक डॉक्टर बहुत फेमस है, वो बहुत सालों से वो अकेला ही उधर था, तो इस अभी नए डॉक्टर ने, दूसरे डॉक्टर ने, हस्बैंड वाइफ है दोनों, उन्होंने क्लिनिक खोला है। तो वो रात को मैं 11 बजे घर पे पहुँची, तो मैं जा रही थी रास्ते में तो देखी 11 बजे भी उनका क्लिनिक खुला था, तो वही मैंने सोचा कि मैं तो हूँ ब्यूटिशियन, पर ये तो बेचारे डॉक्टर, इनकी पढ़ाई कितनी सारी, इन्होंने कितनी पढ़ाई की होगी, और रात रात जाग के, मुझे पता है ना मैंने भी LLB किया है तो कितना पढ़ना पड़ता है, रात रात भर जागो। तो गाइस वो डॉक्टर लोग भी रात को 11 बजे तक बैठे थे कंपटीशन कि वो डॉक्टर का खुला है तो मेरा भी, मुझे खुल क्लिनिक ओपन रखना पड़ेगा। तो गाइस यही सब बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, मेरे मन की बात। तो चलिए अब मिलते हैं रात को और करते हैं अमेज़न का
ट्राइपॉड और गोरिल्ला ट्राइपॉड का अनबॉक्सिंग, उस बीच में मैं कुछ करूँगी तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगी पार्लर पे। ओके गाइस, गाइस देखिए इस तरह से मैं ये नकली फूलों का हार अपने भगवान को चढ़ाती हूँ ताकि इसमें टेंशन ना रहे कुछ कीड़े वीड़े निकलने का। ये भी गाइस बहुत सुंदर दिख रहा है ना, अच्छा तो दिख रहा है और क्या। फ्रेंड्स लंच टाइम हो गया है और चलिए खा लेते हैं। ये है पट्टी समोसा जो मैंने लिए हैं और अब मैं इसका टेस्ट लेती हूँ। तो चलिए आइए आप भी मेरे साथ खाने को। गाइज इसकी ना ये जो पट्टी समोसा बनाते हैं ना, फीलिंग तो वो लोग घर पे बनाते हैं लेकिन ये ना पट्टियाँ रेडीमेड मिलती है डीमार्ट में, या मैं बैंड्रा में पहले रहती थी ना तो बैंड्रा में हमारे यहाँ मिलती थी ऐसी पट्टियाँ। उसमें समोसे का फीलिंग्स भर के फिर समोसे फोल्ड कर देने का और उसको मैदे का ये करके उसको चिपका देने का, तो बहुत इजीली बन जाते थे। तो जब मैं बैंड्रा में थी तब तो मैं बनाती थी, मुझे बहुत पसंद थे। अब तो रेडीमेड से काम चलाना पड़ता है। तो गाइस समोसे खा के हो गए थे और मैंने लिए थे 4 समोसे, लेकिन वो 4 समोसे कुछ मेरे से खाए नहीं गए। पहले ही मैंने सोचा था कि मैं लूंगी सिर्फ 2 समोसे, पर मैंने सोचा शायद मुझे भूख लगी तो इसलिए मैंने 4 ले लिए, क्योंकि आप अब तक तो जान ही चुके होंगे मैं कितनी वहमी हूँ और 3 समोसे लेना मेरे उसके खिलाफ था, मतलब 3 समोसे 3 टिकड़ा काम बिगड़ा, तो इसलिए मैंने लिए 4, पर अब मैंने खाए नहीं और रख दिए फ्रिज में 2 समोसे, 2 खाए और 2 समोसे फ्रिज में रख दिए। तो गाइस अब मैं थोड़ी देर थोड़ा आराम चल रहा है, अब एक का एंगेजमेंट है तो उसका ऑर्डर है आज मेहंदी का, तो आने वाली है। और देखिए क्लास की लड़कियां ने मुझे अब भी से ही बोलते ना टांग देना शुरू कर दिया है, तो आज मॉर्निंग से कोई आया नहीं है। देखिए ये मेरा पार्लर का एंट्रेंस का डोर है। तो गाइस अब पूजा के लिए कोई मेहंदी निकालना पड़ेगा, देखती हूँ क्या होता है। और लंच मैंने कर लिया है, लंच में मैंने समोसे, ब्रेकफास्ट आइटम मैंने लंच में खाई है। और बस अब मैं थोड़ी देर बाहर ऐसे ही पार्लर के बाहर थोड़ा सा बैठना मुझे अच्छा लगता है तो वहाँ पे बैठूँगी थोड़ा सा, और थोड़ा बाहर का हवा भी लगना चाहिए तो इसलिए मैं वहाँ पे बैठूँगी थोड़ा सा और फिर मेहंदी लगाएंगे। तो देखेंगे मैं मेहंदी आपके साथ शेयर करूँगी। अब पता नहीं वो जॉब पर जाती है तो वो कितने बजे तक आएगी। ये लोग भी ना गाइस एक दिन भी छुट्टी नहीं ले सकते। अब तुम्हारी एंगेजमेंट कल है, तुमको अगर मेहंदी लगाना है तो तुमने आज छुट्टी ले लेना चाहिए ना, ताकि मेहंदी अच्छे से निकाल सके ना हम। मेहंदी के लिए कैसे टाइम चाहिए, और फिर एक तो दिवाली का सीजन है, क्लाइंट कभी भी टपक सकते हैं। गाइस चलिए ऐसे ही चल रहा है मेरा तो उधेड़ बुन लाइफ का। और ये देखिए पार्लर का लुक मेरा। आज गाइस 1 तारीख है ना, 1 नवंबर, चलिए कैलेंडर चेंज कर देते हैं, अक्टूबर से नवंबर हो गया। तो शेयर जमाना आज 1 तारीख है। चलिए तो आप सभी को नवंबर महीना मुबारक हो। घर का कैलेंडर मैंने चेंज कर दिया था और ये पार्लर का चेंज करना रह गया था, क्योंकि अभी मैं कब से मेहंदी लगा रही थी, एक क्लाइंट को उसकी सगाई है तो इसलिए ये रह गया था। तो अभी शाम हुई है और मैंने चेंज कर दिया है कैलेंडर। तो गाइस अब हमारा ट्राइपॉड का अनबॉक्सिंग हो रहा है।
ये है गोरिल्ला ट्राइपॉड। इस तरह का है ये मोबाइल होल्डर के साथ वाला है, इस तरह से ये होल्डर लग जाएगा। इसको कैसे भी टेढ़ा मेढ़ा करके हम यूज़ कर सकते हैं। ये है गोरिल्ला ट्राइपॉड। गाइज अब मुझे बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा वीडियो बनाने के लिए। तो गाइज आपको चाहिए तो आप भी ले सकते हैं, इस तरह का मैंने अमेज़न से मंगाया है। और ये बड़ा वाला ट्राइपॉड मैंने मंगाया है, देखते अंदर कैसा है। सोफे भी फाटी। दो दिन से आया है गाइस, लेकिन मैंने बोला था ना भाई उसका अनबॉक्सिंग करेगा, तो इसलिए मैं वेट कर रही थी। इस तरह से बॉक्स में आया है। उन्होंने पैकिंग भी बहुत अच्छे से किया है, बिल्कुल डैमेज ना हो इस तरह से। वाओ अच्छा है और बहुत रीजनेबल रेट में मिल गया है मुझे गाइस, ये बहुत कम रेट में मिल गया है क्योंकि दिवाली सेल चल रहा था। हमको भी इतना पता नहीं कैसे करने का है। मोटू थसे नहीं राजू। इस तरह से बड़ा भी हो जाएगा। अब मैं अच्छे से मेरे मेकअप वीडियोस वगैरह बना सकूंगी गाइस। दिवाली में ऑफर चल रही है और ये ऑफ़र में अच्छे से मुझे मिल गया है। उसके ऊपर है मोबाइल का, गाइज अब मुझे थोड़ा सा सीखना पड़ेगा कैसे फिक्स होता है अच्छे से। तो चलिए गाइज ये हो गया अनबॉक्सिंग ट्राइपॉड का। दो दिन से भाई के लिए वेट कर रही थी, आ तो गया कब से, लेकिन हमने साथ में मिलके मंगाया था तो
इसलिए, और मुझे इतना समझ में नहीं आता है, वो भाई बताने वाला था कि कैसे लगाते हैं। तो गाइस अगर आपको पसंद आया हो तो आप भी मंगवा सकते हैं इसको, फिर फिक्स करना पड़ेगा, फिक्स करो ऊपर से राजू। तो ओके बाय बाय, अब मैं देख लेती हूँ कैसे करने का है। ओके okay?